आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। इस वक्त हम मौजूद हैं माँ सुरकंडा देवी मंदिर के पास। हालांकि अभी तक जो आपकी परेशानी रहती थी माँ सुरकंडा देवी मंदिर तक पहुंचने पर कि यहाँ जो है खड़ी चढ़ाई है और खड़ी चढ़ाई चढ़कर जो है लोग यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर रोपवे का निर्माण कार्य शुरू हो गया और अब लगभग मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोपवे का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब से कुछ ही समय बाद आपको बता दें कि रोपवे शुरू हो जाएगा। आपको दिखाएं, अगर यहाँ देखें आप, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपकी यहाँ पर जो है नीचे से जब रोपवे आएगा तो यहाँ पर ये स्टेशन बनाया गया है, यहाँ पर रोपवे आकर रुकेगा और यहाँ से जो है श्रद्धालु इन्हीं रोपवे की जो ट्रॉली आप देख सकते हैं इन्हीं पर बैठकर जो है ऊपर पहुंचेंगे और यहां से जो है आप सीधे देख सकते हैं यहां पे ये रास्ता बनाया गया है, ये सीधा यहां से चढ़ता है ऊपर के लिए जाता है और सीधे माँ सुरकंडा देवी के मंदिर पर पहुंचता है। इससे पहले आपने देखा होगा कई सालों से यहां पर ये समस्या बनी हुई थी, क्योंकि अगर आप देखें यहां से नीचे तो यहां से नीचे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और इस चढ़ाई को चढ़कर जो है लोग पहुँचते थे। हालाँकि बुज़ुर्ग महिलाएँ जो हैं, बच्चे जो हैं, उनके लिए भारी परेशानी होती थी, लेकिन घोड़े कच्चरों की व्यवस्था यहाँ पर है। लेकिन अब जो है जिस तरीके से लगातार ये मांग करी जा रही थी कि क्योंकि बहुत ही ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, इसीलिए यहाँ पर जो है रोपवे बनाया जाए, उसके बाद जो है रोपवे का निर्माण कार्य किया गया है। कई सालों में, वर्षों में जो है रोपवे का निर्माण कार्य किया गया है और अगर यहाँ से आप देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है यहाँ से सीधे नीचे रोपवे जाएगा जब यहाँ से ये संचालित किया जाएगा। और इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपके लिए बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है कि अब यहाँ से जो है रोपवे संचालित हो जाएगा और उसके बाद से आप जो है आराम से जो दूरी तय करने में आपको 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगा करता था, अब वो दूरी महज 10 मिनट में आप तय कर पाएंगे और माँ सुरकंडा देवी के दर्शन कर पाएंगे। और अब से जल्द, क्योंकि कहाँ ये जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर जो है रोपवे का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और अब कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय बाद जो है इस रोपवे के जो है शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद आप आराम से 10 मिनट में ही यहाँ पहुँच कर माँ सुरकंडा देवी के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ रोपवे शुरू होने जा रहा है, कब ये रोपवे शुरू होगा और कितने सालों में बनकर तैयार हुए ये बताने के लिए यही कंपनी के जो है स्टाफ के हमारे साथ कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइए, कितने साल इसको बनने में लगे हैं और कब तक ये शुरू होने जा रहा है? इसकी प्रोसेसिंग लगभग 2016 से चल रही थी, तो बीच में फिर ये कोविड आ गया, कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया, तो अब मतलब लगा लो आप 20 तारीख से पहले ये चालू हो जाएगा। जी, जिस तरीके से आपने, मतलब कोविड की वजह से रुका हुआ था, मतलब एक जो लोगों की मांग थी बहुत सालों से कि जो है लंबी खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और कई लोग चढ़ भी नहीं पाते, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, तो मतलब उनको जो चाह रहे थे वो उनकी जो है मांग पूरी होने जा रही है जब ये रोपवे शुरू हो जाएगा। बिल्कुल उनको बहुत, जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चों को लेकर चलते हैं ऊपर, घोड़े में नहीं बैठ पाते, तो वो इनसे जा सकते हैं, रोपवे से आराम से अपने दर्शन कर सकते हैं। और जैसा कि हम खबरों में लगातार देख रहे थे ये कि बताया जा रहा था कि फरवरी में शुरू हो जाएगा, फिर बताया गया मार्च में शुरू होगा, फिर अब अप्रैल का महीना आ चुका है, क्या लग रहा है कहाँ कमी है और क्यों नहीं ये जल्दी जो है सुविधा लोगों को मिलने जा रही ना? आपको मैं बोल रहा हूँ आपको कि 20 तारीख से पहले ये चालू हो जाएगा, क्योंकि कमियाँ तो कुछ नहीं थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का 2 तारीख का इनॉग्रेशन था इनका, फिर मुख्यमंत्री जी ने, उनके पास टाइम नहीं था, उनका कहीं और प्रोग्राम था, इसकी वजह से इनको थोड़ा डिले करना पड़ा, फिर तब तक हम अपनी साफ सफाई सब चीज़ अपना ओके करके और जैसे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर इनॉग्रेशन करेंगे उसके बाद दिन रात चलेगी, रोज चलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो ये वो ट्रॉली है आपको बताएं जो कि जल्द ही संचालित होने वाली है माँ सुरकंडा देवी के इस मंदिर से। और आपको बताएं कि इसी में बैठकर आप जो है जो एक लंबा सफ़र यहाँ पर थकान भरा सफ़र होता था, लंबी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी, वो अब दुविधा ख़त्म हो गई है क्योंकि कई सालों के बाद जो है यहाँ पर आपको बता दें कि अब जो है ये ट्रॉली शुरू होने वाली और सुविधा मिलने वाली है आपको माँ सुरकंडा देवी के दर्शन के लिए। अभी तक जिस तरीके से आप पैदल चढ़कर एक खड़ी चट्टान एक खड़ी चढ़ाई चढ़कर ऊपर पहुँचा करते थे माँ के दर्शन के लिए, अब इस ये देख सकते हैं कि आप काम पूरा हो चुका है और ट्रायल भी मतलब पूरा हो चुका है इसका, इस रोपवे का, और अब जल्द ही ये शुरू होने जा रहा है जिससे जो है यहाँ पहुँचने वाले जो लोग हैं श्रद्धालु हैं उनको जो है बहुत जो है सुविधा मिलने जा रही है। आपको बताएं कि यहाँ से अगर आप देखें ये वो स्टेशन है जहाँ से जो है लोग इस ट्रॉली पर चढ़ेंगे, और यहाँ से आपको बताएं यहाँ के सीधे अगर आप देखें तो सीधे आपको दिखाई देगा यहाँ से जो है सीधे आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से सीधे ट्रॉली जो ऊपर जाएगी और ऊपर जो है एक स्टेशन बनाया गया है वहाँ पर ट्रॉली से लोग उतरेंगे, वहाँ माँ के दर्शन करेंगे और उसके बाद उसी ट्रॉली से वो यहाँ वापस लौटेंगे। मतलब एक सुविधा, और जो है ये मांग कई वक्त से जो है यहाँ पहुँचने वाले लोग कर रहे थे क्योंकि कई बच्चे हैं, कई बुज़ुर्ग हैं, कई महिलाएँ हैं जो एक खड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ पाती थी और ये चढ़ाई चढ़ने में उन्हें 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन अब वही सफ़र जो है आपको बता दें कि अब चंद मिनटों में होने जा रहा है। तो ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से माँ सुरकंडा देवी के मंदिर से, और ये रोपवे की खबर है कि जल्द ही आपको ये सुविधा मिलने शुरू होने जा रही है, और जल्द ही कह रहे हैं कि जल्द ही इसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है और इनॉग्रेशन के बाद आप यहाँ से इन ट्रॉली में माँ सुरकंडा देवी का सफ़र कर पाएंगे। तो हमारे इस खबर में अभी के लिए बस इतना है, और खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल जय भारत टीवी को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम खबरें आप तक तुरंत पहुंच सकें। फिलहाल दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।